नमस्कार दोस्तों, जैसे हम सबके घर में एक नॉर्मल चीज होती रहती है वो ये होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, थके होते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं और खेलने लग जाते हैं। थोड़ी देर खेलते हैं और अक्सर हम लोगों की हैबिट होती है कि हम उनको बोलते हैं कि अपना होमवर्क कर लो, और बच्चों का भी एक रटा रटाया आंसर होता है अभी रुक जाओ, अभी तो हैं, थोड़ी देर बात करेंगे। घंटा निकलता है, दो घंटा निकलते हैं, बच्चे टीवी देखने लग जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, कोई छोटी मोटी इधर उधर की एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, लेकिन स्टडी नहीं करते हैं। ये समस्या जो है वो अब हर घर में होने लग गई है, हर बच्चे के साथ होने लग गई है, तो इससे छुटकारा कैसे पाएं या फिर क्या करें। मैं विमला वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, आज इसी बारे में बात करेंगे कि जब बच्चों के मन स्टडी में नहीं लगे तो क्या करें। तो दोस्तों, जब बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, स्टडी में नहीं लगता, तो डांट कर या बार बार उनको टोक कर स्टडी नहीं करवाई जा सकती। तो पूरा वीडियो देखें, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके काम आएगा, हर एक बच्चे के काम आएगा, हर एक पेरेंट्स के काम आएगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट, प्रॉब्लम क्या है वो हमें जानना है। बच्चा स्टडी से जी चुरा रहा है, मन नहीं लगा रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल में जो काम करवाया जा रहा है उसको समझ में ही नहीं आता, या फिर यह है कि वो पूछने की कोशिश करता है उसको बताया ही नहीं जाता, या फिर उसके पास कुछ ऐसी कमी है जो लगता है कि दोस्तों के पास है और उसके पास नहीं है। किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, बुक्स की है, या फिर स्टेशनरी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या स्टडी से रिलेटेड हो, कुछ इस तरह की। तो जो कुछ भी कारण हो, सबसे पहले वो हमें कारण जानना है। कारण जानने के लिए आप उससे बात करें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, आप अभिभावक नहीं बने, उसके दोस्त बने, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते लेकिन अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, तो हमें उनका दोस्त बनना है। आप उनको बार बार रोकते हैं, आप उनको टोकते हैं, आप उनको डांट लगाते हैं, तो अक्सर उनके मन में यही होता है कि पेरेंट्स का काम यही होता है, पेरेंट्स की ड्यूटी यही होती है कि वो उनको डांटें, उनसे काम करवाएं, उनको खुद को तो समझ में आता नहीं है, वो तो कभी ऐसे करते नहीं थे, हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये नहीं होता है, हमें उनका अच्छा दोस्त बनना है। थर्ड पॉइंट, स्टडी करवाने के लिए नए नए मेथड यूज करें, नई टेक्निक यूज करें। आप उनको खेल खेल में पढ़ा सकते हैं, या फिर घर में अक्सर जब हम पढ़ाने के लिए बच्चों को बैठते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मम्मा के पास टाइम नहीं होता, पापा के पास टाइम नहीं होता, घर में दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, वो नहीं पढ़ा पाते, या उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो जो टाइम की कमी है वो सबके पास है। तो दोस्तों, एक खेल तो हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं, खास करके मम्मियाँ खेल सकती हैं, कि हम उनको कहें ठीक है बेटा, मैं अपना ये काम निपटाती हूँ, तब तक आप ये सब्जेक्ट का काम कर लो, देखते हैं सबसे पहले कौन फिनिश करता है। तो देखिए, ये खेल है लेकिन बच्चे का होमवर्क हो रहा है, नए नए मेथड हमें यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, उनके पास आप बैठे, उनको कहें कि ठीक है मैं ये कर रही हूँ, आप ये करो, देखते हैं अच्छा कौन करेगा, सबसे सुंदर कौन करेगा, या उस सब्जेक्ट में आपने ऐसा किया ना, इस सब्जेक्ट में देखते हैं आप कैसा करोगे, या फिर आज कौन से सब्जेक्ट में आपको वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके के खेल जो है हम बच्चे के साथ खेल सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देखना है कल आपको गुड या वेरी गुड क्या मिलेगा, फिर देखेंगे मैं अपने काम में अच्छी हूँ या आप अपने काम में अच्छे हो। तो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन बच्चे को हम स्टडी में लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आप बच्चे को टाइम टेबल बनाकर दीजिए, लेकिन टाइम टेबल ऐसा ना हो कि बच्चा बोर हो जाए, उसमें सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी, ऐसा नहीं हो कि अभी राइटिंग करनी है, अभी लर्निंग करना है, अभी प्रोजेक्ट बनाना है, अभी मॉडल बनाना है, नहीं, ऐसा नहीं करें। आप उसको जो भी उसको अच्छा लगता है, उसको खेलना अच्छा लगता है तो खेलने का टाइम दें, उसको टीवी देखना अच्छा लगता है तो उसके भी टाइम टेबल के बीच में आप टीवी देखने का भी टाइम टेबल रखें, उसके बीच में कोई और एक्टिविटी का टाइम टेबल रख सकते हैं। जैसे आप कहें कि ठीक है दो सब्जेक्ट का हम काम करेंगे, फिर 30 मिनट्स हम टीवी देखेंगे, फिर हम एक सब्जेक्ट का काम करेंगे, फिर हम 20 मिनट्स खेलेंगे। इस तरीके से हम
उसका टाइम टेबल तैयार करें, कभी भी कंटिन्यू नहीं करें, क्योंकि लगातार बच्चा बैठकर स्टडी नहीं कर पाएगा, वो बोर हो जाता है, इसीलिए उसका मन नहीं करता, इसीलिए वो जी चुराने लग जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि उसका जो टाइम टेबल हमें बनाना है वो अच्छा बनाना है, ऐसा वो ईजी लगे, उसको सरल लगे, उसको पढ़ने में मज़ा आए, तो वो अपने आप पढ़ लो। दूसरा, बच्चों को प्रोत्साहन दें। देखिए क्या होता है कि बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं हमें पता है, क्योंकि वो स्टडी नहीं कर रहा, लेकिन स्टडी क्यों नहीं कर रहा है या स्टडी में उसका मन कैसे लगाना है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे को प्रोत्साहित करें। हो सकता है आज उसके 50% मार्क्स आए, लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि उसके हमेशा लाइफ टाइम में इससे कम ही मार्क्स आएंगे या इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता। वो जा सकता है, अगर आप उसको मोटिवेट करें, प्रोत्साहन उसको दें, तो डेफिनेटली उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, इसके लिए हम एक नया तरीका हम उसको दे सकते हैं, एक नया तरीका जो है वो हम ईजाद कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि इस बार अगर आपके हाफ ईयरली में इतने मार्क्स आएंगे तो ठीक है हम शॉपिंग करने चलेंगे, अगर आपके फाइनल एग्जाम में इतने परसेंट मार्क्स आएंगे तो ठीक है हम गिफ्ट देंगे या हम घूमने जाएंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, पार्टी करना, इंजॉय करना डेली रूटीन में हमारे चलता है, लेकिन अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं तो वो इससे बहुत खुश होता है, उसको लगता है हाँ मेरे लिए कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से हम बच्चे को थोड़ा सा लालच दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन देखिए उसका भविष्य बन रहा है, उसका स्टडी में मन लग रहा है, जिससे वो अभी तक जी चुराता था। लास्ट दोस्तों, कभी भी किसी भी बच्चे के साथ अपने बच्चे का कंपैरिजन नहीं करें। सब बच्चों का आईक्यू लेवल अपना अपना होता है, यहाँ तक जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू लेवल भी अपना अपना होता है, उनकी पसंद नापसंद, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ अलग अलग होता है। तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करें कि उस बच्चे के 90% आ रहे हैं, आपके 40 क्यों आ रहे हैं, वो बच्चा इतना अच्छा है, स्टडी अच्छी करता है, वो स्पीच अच्छा देता है, आप ये वो करता है, आपसे नहीं होता, आपसे तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं करें, कंपैरिजन नहीं करें, उसे मोटिवेट करें, तो बच्चा जरूर स्टडी में पढ़ेगा, अच्छी स्टडी करेगा, बुक्स पढ़ेगा। आप उसको नई नई बुक्स ला कर दें, आप स्टोरी बुक्स ला कर दे दें उसको, अगर उसको कार्टून की पसंद है तो आप कार्टून की बुक्स ला के दे दें। तो दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद की बातें हैं कि उसकी परसेंटेज क्या रही, क्लास में उसकी पोजिशन क्या रही, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन असर बहुत बड़े बड़े। दोस्तों फिर आएंगे एक बच्चों की नई समस्या लेकर, बच्चों से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको भी लगता है कि आपके बच्चे की भी कोई समस्या है तो हमें भेजें, कमेंट करें, डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको तो मदद मिलेगी मिलेगी बल्कि दूसरे अभिभावक जो हैं उनको भी मदद मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।